हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं खोज डील। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट पेपर श्रेडर मशीन्स के बारे में। तो अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो चाहे कॉमर्शियल यूज के लिए हो, और अगर आप टाइम टू टाइम उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्पोज करने की सोचते रहते हैं, तो ऐसे में आपको कंसिडर करनी चाहिए पेपर श्रेडर मशीन। पेपर श्रेडर मशीन काफी तरीके की मार्केट में अवेलेबल है। आज हम आपको टॉप 10 मॉडल्स दिखाएंगे जो अमेजोन पर अवेलेबल है। प्राइस रेंज की बात करूं तो अराउंड 2000 से इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है और 3000 के आसपास आपको एक बढ़िया पेपर श्रेडर मशीन मिल जाएगी। नंबर वन पोजीशन पर जो हमने रखी है वो है अमेजोन बेसिक्स स्ट्रिप कट श्रेडर मशीन। आप इसकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, वो होती है इसकी जो टाइप ऑफ कट ये प्रोवाइड करता है। स्ट्रिप कट की अगर मैं बात करूँ तो वो पर्सनल यूज के लिए सही रहेगा। अगर आप कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हैं, ऑफिस यूज के लिए ले रहे हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल खत्म करने हैं जो किसी को समझ में ना आए, तो आपको माइक्रो कट के हिसाब से देखना पड़ेगा। नंबर टू पोजीशन पर है एस्टॉक क्रॉस कट श्रेडर मशीन। इसमें आप देख सकते हैं इसकी श्रेडिंग कैपेसिटी होता है एक बारी में कितनी शीट्स ये श्रेड कर सकती है। तो ये मशीन एक बारी में 8 शीट्स यानी कि 8 पेपर्स श्रेड कर सकती है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। पेपर के साथ साथ ये सीडी डीवीडी और क्रेडिट कार्ड भी श्रेड कर सकती है। ये काफी सारे फीचर्स होते हैं जो न्यू मॉडर्न श्रेडिंग मशीन में आपको मिलते हैं। नंबर थर्ड पोजिशन पर है गोल्ड स्टैंडर्ड यूएसए क्रॉस कट श्रेडर। इसके फीचर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंट्री विड्थ है इसमें 220 mm, यानी जो पेपर साइज है 220 mm का, या वो A4 साइज कवर होता है इसमें, वो इसमें आप श्रेड कर सकते हैं। सेपरेट स्लॉट्स हैं इसमें, अगर आप सीडी डीवीडी क्रेडिट कार्ड कोई भी चीज श्रेड करना चाहते हैं, हर किसी के लिए सेपरेट स्लॉट्स आपको मिलते हैं, सब कुछ ये श्रेड कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पोजिशन पर है बेम्बेलियो BCC014 क्रॉस कट श्रेडर। आप सोच रहे होंगे मैं आपको प्राइजेस नहीं बता रहा इन मशीन्स के, वो इसलिए क्योंकि प्राइजेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और जैसे कि मैंने बताया इनकी प्राइस रेंज 2000 से 3500 के आसपास है। अगर आपको लेटेस्ट प्राइस चेक करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इनके लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं। नंबर फिफ्थ पोजीशन पर है कोर्स इजी कट 832 श्रेडर मशीन। इसमें आप देख सकते हैं P4 लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलती है। आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, जितना ज्यादा ये नंबर होता है P1 P2 P3 P4, जितना ज्यादा ये नंबर होता है उतने माइक्रो कट आपके पेपर के होते हैं। इसका मतलब उतनी ज्यादा आपका जो इंफॉर्मेशन है उतनी जल्दी वो डिस्पोज होती है और उसमें कोई भी आइडेंटिफाई कुछ नहीं कर सकता, इतने मिनी कट इसमें आपको मिलते हैं। नंबर सिक्स पोजीशन पर है ऊज क्रॉस कट पेपर श्रेडर। इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको ऑटो रिवर्स का फीचर भी मिलता है, यानी कि अगर पेपर आपने आधा श्रेड कर लिया है और बाकी आपको वापस निकालना है तो ऑटो रिवर्स के फीचर के साथ आप उस पेपर को वापस निकाल सकते हैं। प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है और इन पेपर श्रेडिंग मशीन के अंदर आपको एक वेस्ट बिन मिलता है, जिसमें आप सारा जो आपका पेपर श्रेड हुआ है वो उस बिन के अंदर कलेक्ट हो जाता है। उसकी कैपेसिटी भी आपको ध्यान में रखनी होती है। नंबर सेवन पोजीशन पर है एंटीवा क्रॉस कट पेपर श्रेडर। इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है पर मिनट की 1.5 मीटर पेपर ये श्रेड कर सकता है एक मिनट के अंदर, ये चीज भी आप देख सकते हैं। वेस्ट बिन की मैं बात कर रहा था, वेस्ट बिन अगर इस मशीन में मैं बात करूं तो 21 लीटर का वेस्ट बिन है, जिसमें आपके जो पेपर है श्रेड हुए हुए वो आप इसमें कवर कर सकते हैं। नंबर एट पोजीशन पर है फेलोज P35C क्रॉस कट श्रेडर। मिनी श्रेडर मशीन है ये, एक बारी में 5 पेपर आपके श्रेड करती है ये। बाकी जो मशीन अभी आपने देखी थी उसमें 8 पेपर तक वो श्रेड कर सकते थे। सिक्योरिटी लेवल अगेन बहुत हाई है, P4 मैं रेकमेंड करूंगा, P3 P4 आप जरूर देखिए अगर आप पेपर श्रेडर मशीन खरीद रहे हैं। उसके अलावा 3 गैलन की इसकी वेस्ट बिन है जो आप देख सकते हैं। नंबर नाइन पोजिशन पर है NIYO माइक्रो कट श्रेडर मशीन। काफी छोटी श्रेडर मशीन है ये। इसकी कैपेसिटी की बात करूं वेस्ट बिन की तो 20 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। इसमें 30 डेज की सेलर एंड मैन्युफैक्चरर वारंटी आपको मिलेगी अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। और श्रेडिंग स्पीड की मैं बात करूं तो 1 मीटर पर मिनट में ये पेपर श्रेड कर सकती है। नॉइज लेवल भी एक ऐसी चीज है जो आप कंसिडर कर सकते हैं खरीदते समय, जितनी ज्यादा बड़ी मशीन होगी उतनी ज्यादा वो नॉइज करेगी, तो ये चीज आप देख सकते हैं। आज की हमारी लास्ट पोजीशन पर है पायलट 12cc श्रेडर मशीन। स्क्रीन में आप देख सकते हैं दिखने में काफी बढ़िया इसका लुक है, और उसके अलावा सिक्योरिटी लेवल इसका P3 है, अभी तक जो आपने देखी थी वो P4 थी। इसमें एक बारी में आप 12 पेपर्स श्रेड कर सकते हैं और 1 साल की आपको मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलेगी। तो ये थी टॉप 10 बेस्ट पेपर श्रेडिंग मशीन। अगर आपको प्राइस चेक करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, अमेजोन के लिंक पे क्लिक कीजिए और लेटेस्ट प्राइस चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।